कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। केजीएफ में अपनी सेना, किसने किया रॉकी के सामने सरेंडर? रॉकी के हाथों गरुड़ा की मौत ने पूरे केजीएफ में हाहाकार मचा दी थी। रॉकी की वजह से केजीएफ में काम करने वाले 20,000 मजदूरों में शामिल मर्द, औरतें और बच्चों ने मिलकर उस समय सेनापति वनराम और केजीएफ के गार्ड्स को मार दिया। जब सेनापति और उसकी सेना रॉकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी रात काली मान की पूजा में रॉकी ने काली मान के आगे गरुड़ा जैसे राक्षस की बलि चढ़ा दी और केजीएफ के एम्पायर को संभाल लिया। लेकिन असली राक्षस अभी जिंदा है और वो है अधीरा। गरुड़ा को मारने से पहले ही रॉकी जान गया था कि इन्हें सब षड्यंत्र के पीछे अधीरा का ही हाथ है। अधीरा ने ही अपने भाई सूर्यवर्धन को मरवाया है। गरुड़ा का छोटा भाई विराट रॉकी से डर कर उसके आगे सरेंडर कर देता है। रॉकी से सिर्फ विराट ही नहीं बल्कि केजीएफ के बाहर अब एंड्रयू शेट्टी, गुरु पांडियन, कमल और राजेंद्र देसाई भी डरने लग गए। अब अपनी मरती हुई माँ को दिए वचन को पूरा करने के लिए रॉकी ने अपनी एक बड़ी सेना तैयार कर ली। रॉकी केजीएफ में आया तो सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनने के लिए था, लेकिन अब रॉकी के लिए अपने सपने को पूरा करने से ज्यादा जरूरी उन 20,000 मजदूरों की रक्षा करना है। रॉकी को ये समझ में आ गया था कि उसकी माँ का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनने के लिए कहने का मतलब सिर्फ पैसों से अमीर होना नहीं, बल्कि मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करके उनके दिलों में राज करना था। रॉकी ने ये फैसला कर लिया था कि वो केजीएफ के मजदूरों को केजीएफ में ही रहते हुए वो सब देगा जिसके लिए वो असली हकदार है। लेकिन इधर रॉकी के दुश्मन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। रॉकी ने भले ही कानून को सोने की अंगूठी पहनकर खरीद लिया है, लेकिन इलेक्शन जीत कर अब रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन गई है। रमिका सेन कई सालों से केजीएफ और रॉकी पर नजर रखी हुई है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनते ही रमिका सेन ने सीबीआई को केजीएफ की इंक्वायरी करने के ऑर्डर दे दिए। राजेंद्र देसाई को इस बात का डर है कि जो कोई भी अब रॉकी के साथ देगा, अधीरा उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मन ही मन राजेंद्र देसाई ये भी जानता है कि रॉकी उन लोगों पर एक भी आंच नहीं आने देगा जो लोग रॉकी के साथ खड़े होते हैं, और जिसमें रीना भी शामिल है, यानी उनकी लवर। रॉकी अब ज्यादा पावरफुल बन गया है, बड़े बड़े गैंगस्टर, मिनिस्टर, माफिया डॉन, यहाँ तक की इंडियन गवर्नमेंट भी अब रॉकी के खिलाफ हो गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। अलविदा।